वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको डागमर अप्रोच बताऊंगी। ये डागमर अप्रोच किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और आप इसके यूजेस क्या क्या है। पर जो डागमर अप्रोच है ना, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्यों दिया था, इसका यूजेस क्यों आए, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, अगर ये अप्रोच आया था तो फेल क्यों हो गया, तो आप सब कुछ इस सिंगल वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। डागमर अप्रोच स्टैंड फॉर द डी स्टैंड फॉर द डिफाइनिंग, ए स्टैंड फॉर द एडवर्टाइजिंग, जी स्टैंड फॉर द गोल। मतलब डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल, एडवर्टाइजमेंट के गोल को डिफाइन करना, फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट को मेजर करने के लिए। मतलब इसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। पहला फोकस किया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के गोल्स को क्या करना है, डिफाइन करना है, सेट करना है, ठीक है। आपने सेट कर लिया, सेट करने के बाद आपको क्या करना है, उस गोल को क्या करना है, मेजर करना है। एक्चुअल आपका रिजल्ट आया है एडवर्टाइजमेंट से, उससे मेजर करना, ठीक है। मतलब आपने चीज़ों सेट किया गोल, ठीक है, और एक्चुअल में आपके गोल के अकॉर्डिंग कितना अचीव हुआ है उसको मेजर करना ही आपका क्या है, डागमर अप्रोच। इसमें दो पे फोकस किया है, कितना एडवर्टाइज में गोल को क्या करना, डिफाइन करना और फिर बाद में उसे मेजर करना, वो क्या होता है, डागमर अप्रोच होता है। देखो इसके फुल फॉर्म में ही है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, ठीक है। डागमर इज ए मॉडल, डागमर क्या है, एक ऐसा मॉडल है फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है कि आपका रिजल्ट क्या आया है एड कैंपेन से। समझ में आया आपको, सिंपल फॉर्म में फिर से बताती हूँ मैं, एड कैंपेन से जो भी रिजल्ट आया है उसे मेजर करना, किससे, जो आपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, ठीक है, वो आपका क्या है, डागमर अप्रोच है। डागमर अप्रोच वो डेवलप्ड बाय, जो डागमर अप्रोच था, जो ये मॉडल था किसने दिया था, ये दिया गया था रूसेल एच कॉली ने ये मॉडल दिया था। और उन्होंने क्या बोला कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक मॉडल है, रेशनल मॉडल है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, आपको हेल्प मिलती है कि आप आपके एडवर्टाइजमेंट गोल को क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, आप आपके एडवर्टाइजमेंट गोल को सेट कर सकते हो, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया कि क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट गोल को क्या कर सकते, सेट कर सकते, चूज़ कर सकते। दूसरा किस पर फोकस किया इन्होंने फोकस किया प्रेजेंटिंग दिस ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल आपने सेट किया है उसको किस में प्रेजेंट करना, किस में आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा प्रेजेंट क्वांटिटेटिव फॉर्म में। क्वांटिटेटिव फॉर्म का मतलब नंबर्स में, डेटाज में क्या करना, उस ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करना। दूसरा समझ में आ गया, पहला क्या हुआ कि उस एडवर्टाइजमेंट गोल को क्या करना, चूज करना कि आपका एडवर्टाइजमेंट गोल क्या है। फिर गोल सेट हो गया, गोल सेट होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उस जो गोल आपने सेट किया है उसे किस में प्रेजेंट करना, क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना, मतलब नंबर्स में प्रेजेंट करना। अब थर्ड है, यूजिंग दिस एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब इसमें क्या किया जाता है, लास्ट में आपको मेजर किया जाता है आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन को, कि आपका रिजल्ट जो आपको एक्चुअल आपने जो सेट किया था गोल उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है। समझ में, ये तीन पॉइंट ज़रूर लिखना कि एडवर्टाइजिंग गोल को क्या करना, चूज़ करना, और जो गोल चूज़ किया है उस गोल को क्या करना, क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना, फिर बाद में उसमें क्या करना, मेज़र करना, उसे मापना, उसे उसको मेज़र करना। ये था आपका डागमर अप्रोच। अब इसमें देखते क्या बोल रहा है, इट इज़ ए मार्केटिंग मॉडल, ये क्या है, एक मार्केटिंग मॉडल है, यूज टू इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो किस में यूज़ में लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करने में मार्केटिंग मॉडल का यूज़ में लिया जाता है, फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड मेजर इट्स सक्सेस, जिससे क्या हो सके, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली अपन सेट कर सके और उन्हें मेजर कर सके। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो इस मॉडल के तीन नाम और हैं, हायरार्की ऑफ इफेक्ट, ACCA मॉडल, डागमर मॉडल।
अगर क्वेश्चन में ACCA मॉडल पूछ ले, डागमा मॉडल पूछ ले या हायरार्की ऑफ इफेक्ट पूछ ले, तो भी आपको कौन सा समझाना है, आपको डागमर अप्रोच समझाना है। ठीक है, अब मैं एक कंक्लूजन, अभी तक अपन ने जो पढ़ा मैं आपको वो बता देती हूँ कि डागमर अप्रोच फोकस किस पे करता है, गोल को सेट करने में और उसे मेजर करने में। मेन फोकस इसका क्या है, गोल को सेट करना और उस गोल के अकॉर्डिंग के जो भी आपने रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को क्या करना, मेजर करना ही आपका डागमर अप्रोच होता है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि मतलब डागमर अप्रोच वर्क कैसे करता है, वर्क करता है वो चार स्टेप्स में वर्क करता है। पहला स्टेप आता है अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस का मतलब प्रोडक्ट जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर नहीं जानते, ठीक है, वो अनअवेयर है, मतलब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये रूसेल एच कोले बोलते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, अवेयर किया, जागरूक किया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। जब आप लोगों को पता चलेगा, कस्टमर को पता चलेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर बाद में आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड इमेज। कॉम्प्रिहेंशन एंड इमेज का मतलब अब दूसरे स्टेप में ये आता है कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो जब आप उसका इमेजेस बताओगे, मतलब उसकी क्वालिटीज बताओगे, उसकी क्वांटिटी बताओगे, जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताओगे अगर कस्टमर को, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा आपके एडवर्टाइजमेंट, आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इमेज क्रिएट करना, उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स बताना। दूसरा स्टेप हो गया, पहले क्या किया आपको, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हाँ आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पहला स्टेप में हो गया, अवेयरनेस करवा दिया आपने कि हाँ आपको उन्होंने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपने इमेज बनाई कि आपके प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, बता दिया। बताने के बाद अब क्या है, कन्विक्शन, मतलब उन्हें कन्विंस किया आपने कि आपका प्रोडक्ट क्या करें, वो परचेज करें, उन्हें कन्वेंस किया। अब लास्ट में आपने कन्वेंस कर लिया उन्हें, पहले तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर उसकी बेनिफिट्स बताए, फिर उन्हें कन्वेंस कर लिया आपने। अब वो कस्टमर, वो बायर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को एक्शन में आएगा और आपके प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। तो डागमा अप्रोच चार स्टेप्स है इसमें, अवेयरनेस करना आपके प्रोडक्ट के बारे में, बताना, इमेज बनाना, उसके बेनिफिट्स बताना, उन्हें कन्वेंस करना, फिर लास्ट में क्या करेगा कस्टमर, उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। ये चार स्टेप, अब इन्हें और एक्सप्लेन करूंगी मैं डिटेल में। ठीक है, अब इसमें फ्लो चार्ट में देखते हैं ये डागमर अप्रोच। अब इसका ये चार्ट है, इस चार्ट को समझिए कि जो एडवर्टाइजिंग प्राइम, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू कम्युनिकेट टू ए स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। जो टारगेट ऑडियंस उन्होंने सेट किया है कि हाँ उन्हें 2000 कस्टमर चाहिए इस मंथ में, तो उन टारगेट ऑडियंस से क्या करना, कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना, वो क्या होता है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है, टू स्टिमुलेट एक्शन, उन्हें क्या लाना, एक्शन में लाना। एक्शन में लाना मतलब, एक्शन अभी अपन ने पढ़ा था, एक्शन में क्या था कि उन्हें कन्विंस करना कि वो आपके प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे, बाय करे। तो दो ऑब्जेक्टिव मेन है इसका, पहला कम्युनिकेट करना टारगेट ऑडियंस से, फिर उन्हें क्या करना, एक्शंस में लाना। ठीक है, अब देखो, सेटिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। जो भी एडवर्टाइजिंग गोल को जो सेट किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाना चाहिए, कम्युनिकेशन के बेसिस पे करना जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हायरार्की ऑफ इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या किया जाएगा, अवेयरनेस किया जाएगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा, कन्विंक्शन मतलब कन्वेंस किया जाएगा उन्हें, फिर वो क्या करें, एक्शन में आएंगे, आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है, आप देख लीजिए, अभी मैंने आपको जो पहले जो समझाया वो आपके फ्लो चार्ट में है केवल। इससे क्या होगा, मॉनिटरिंग होगी, मेजर एडवर्टाइजिंग में हेल्प होगी आपके, इफेक्टिवनेस आएगा आपका, क्वांटिटेटिवली होगा। अब देखो, आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को क्यों बाय करेगा, मतलब वो आपके प्रोडक्ट को उसी वक्त बाय कर ले, वो कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आपका प्रोडक्ट उसी वक्त में परचेस कर लिया जाएगा, पर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली होनी चाहिए। दूसरा, क्रिएटिंग डिज़ायर, उनमें क्या करना है,
डिज़ायर क्रिएट करना। डिज़ायर क्या होती है? इच्छा, कि वो आपके प्रोडक्ट के, जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप उसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। डिज़ायर फिर उनके भी क्या मन में क्या होता है, इच्छा जगती है। तो क्रिएटिंग डिज़ायर, डिज़ायर को क्या करना है, क्रिएट करना। करेक्टिंग फॉल्स इम्प्रेशन, जो भी आपने गलत इम्प्रेशन अगर आपने पहले आपने क्रिएट की है तो उसको करेक्ट करना थ्रू एनी एक्शन। जैसे अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी, पर आपने नया एडवर्टाइजमेंट आपने किया, उन्होंने आपने क्या किया, उनसे सॉरी मांगी या अपील करी, तो आपको मतलब आपकी जो भी गलत इम्प्रेशन है उसने क्या करना, करेक्ट करना, तभी आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। बिल्डिंग प्रोडक्ट इमेज, और आपके प्रोडक्ट की इमेज को क्या करना, बिल्ड करना। अगर आप इन फैक्टर्स पर फोकस करोगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो क्या कर लिया जाएगा, आपको खरीद लिया जाएगा। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे, आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे? वो एक तो कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सब मतलब फेस टू कट थ्रोट कंपटीशन, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो, कट थ्रोट कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं, कस्टमर मिनिमम है। तो कंपटीशन की वजह से भी कई कई कस्टमर क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। फॉरगेटफुलनेस मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि आप अगर रेगुलर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हो, आप कुछ टाइम ड्यूरेशन में दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की सेल से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को ख़राब हो जाना, आप गलत मैसेज दे रहे हो, पुअर मैसेज, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल है, पर आपके मैसेज को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। ऐसे कुछ रीजंस है, कुछ फैक्टर्स है जो आपके सेल्स को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, आप ज़रूर बना के आना, इन्हें एक्सप्लेन ज़रूर करना। अब मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे कि अवेयरनेस क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एटीट्यूड, कन्विक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है। अब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि अवेयरनेस क्या होता है, मतलब जागरूक करना आपके आपके प्रोडक्ट में बारे में बताना। देखो, बिफोर द परचेजिंग बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस, मतलब जो टारगेट ऑडियंस जिन्होंने आपने टारगेट किया कि हाँ 2000 कस्टमर आपको चाहिए, उन्हें है ना परचेज करने से पहले क्या करना, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, और आपके आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट की कंपनी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, अवेयरनेस करना, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना। जैसे देखो, इट इज़ नेसेसरी टू मेक द ऑडियंस, ये बहुत ज़रूरी है कि तो आप आपके ऑडियंस को अवेयर करो, आपके ऑडियंस को बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपकी कंपनी क्या है। द इनिशियल कम्युनिकेशन टास्क ऑफ द एडवर्टाइज एक्टिविटी इज टू इंक्रीज द कस्टमर अवेयरनेस, जिससे क्या होगा, कस्टमर अवेयर होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और क्या ऑफर्स चल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, अवेयरनेस करना। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसके आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना। इसमें बेनिफिट्स आता है, इसमें क्या आता है, ओनली आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना कि आपके प्रोडक्ट आपके मार्केट में एग्जिस्टेंस है, आपका प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपके प्रोडक्ट की नॉलेज बताना, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टारगेट ऑडियंस को बताना, इसके बेनिफिट्स बताना। तो कॉम्प्रिहेंशन में वो आता है। देखो, ओनली अवेयरनेस नॉट बी सफिशिएंट, आपके प्रोडक्ट के बारे में यही सफिशिएंट नहीं है कि वो आपको प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, मतलब परचेस करने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट के बारे के बेनिफिट्स के बारे में बताना पड़ेगा, जिसे सफिशिएंट नॉलेज आपको बतानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दिस स्टेप इन्वॉल्व द टारगेट ऑडियंस टू लर्न समथिंग अबाउट प्रोडक्ट। इस स्टेप क्या होता है, इस स्टेप में होता है कि आप आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं टारगेट ऑडियंस को, उनसे कम्युनिकेट करते हो, और कस्टमर क्या होता है, लर्न करता है, उसके बेनिफिट्स को जानता है, उसके प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स को जानता है, और उसकी यूजेस आपको जानता है। जिसमें क्या होता है, यूजेस के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना, प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना, ये किस में आता है, कॉम्प्रिहेंशन में आता है। एटीट्यूड मतलब कन्वेंस करना कस्टमर को कि वो आपके प्रोडक्ट को क्या करे, परचेस करे। अब वो परचेस क्यों करेगा, जब अगर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, उन्हें क्या चाहिए, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा आपके प्रोडक्ट। अगर आप उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर आप रिवॉर्ड्स दोगे कि आप 5, अगर आप
चार पेन खरीदते हो, फोर पेन खरीदते हो, उसके साथ एक फ्री आएगा, तो वो क्या होता है, कन्वेंस होगा। तो मतलब आपको कस्टमर को क्या करना है, आपको कन्वेंस करना है। या तो आप किस तरीके से कर सकते हो, रिवॉर्ड देके कर सकते हो, कुछ आप ऑफर्स निकाल सकते हो जिससे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ और फाइनली वो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपको आपके कस्टमर्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, कन्वेंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, कन्वेंस किया जाता है कि वो कन्वेंस किसी भी थ्रू हो सकता है, रिवॉर्ड देके हो सकता है आपको, आप उसका प्रेफरेंस जान सकते हो, उनके इंटरेस्ट जान सकते हो कि उन्हें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, तो इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, कन्वेंस किया जाता है। अब आपने क्या कर लिया, कन्वेंस कर लिया, ठीक है, राजी कर लिया कि वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, बाय करेगा। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा, वो एक्शन, मतलब एक्शन में आएगा कि वो आपके प्रोडक्ट को अब क्या करेगा, वो फाइनली वो परचेज ही कर लेगा। तो देख, कम्युनिकेशन मस्ट इंकरेज बायर टू इंगेज इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक अब वो क्या करेगा, ऐसे एक्टिविटी में आ जाएगा, वो इतना इंकरेज हो जाएगा कि वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। अब देखो, डेफिनेटली करेगा, आपने आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, फिर उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, उन्हें रिवॉर्ड्स दिए कि आपने प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इतने गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो अब वो तो अट्रैक्ट हो ही गया ना, तो अब वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, आपके प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे इन स्टेप्स का अगर आप यूज़ में लोगे तो आपके एडवर्टाइजमेंट की सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं इन चार पॉइंट का। देखो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या किया, फ्रॉम अनअवेयर टू अवेयरनेस, कस्टमर मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रोडक्ट, कि जो आपके कस्टमर थे जो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, वो अब क्या करवाया, आपने अवेयर करवाया, पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या किया कि आपने बताया कि व्हाट द प्रोडक्ट इज, आपका प्रोडक्ट क्या है एंड इट्स बेनिफिट्स, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, दूसरे स्टेप में आपने ये बताया। तीसरे स्टेप में क्या किया, आपने कन्वेंस किया, मेंटल कन्वेंस किया, आपने दिमाग के तौर से आपने उन्हें कन्वेंस किया कि वो आपके प्रोडक्ट को क्या करें, बाय करें, परचेज करें। अब थर्ड फोर्थ में क्या आ गया, एक्शन में आया, उन्होंने फाइनली क्या कर लिया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके गोल्स बताऊंगी, इसके क्या क्या गोल्स हैं, इसके मैं ड्रॉबैक्स बताऊंगी कि क्यों ये मॉडल फेल हो गया और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है इस मॉडल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।